नमस्कार, प्रॉपर्टी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बेसिक जरूरतों यानी रोटी, कपड़ा और मकान की अगर बात करें तो किसी भी इंसान का सबसे बड़ा ख्वाब यही होता है कि एक आशियाना, एक छत उसको मयसर हो जाए जहां वो अपनी जिंदगी को सुकून से गुजार सके। वैसे भी इंसान की पहचान उसका घर ही होता है, लेकिन अपने इसी ख्वाब को पूरा करने में कुछ लोग बेहद कामयाब रहते हैं, जबकि कुछ के लिए सारी जिंदगी की कमाई लुटाकर भी एक घर सपना ही बना रह जाता है। बहरहाल, एक घर बनाने के लिए कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग जानते ही नहीं। हालांकि ये जानकारियां अगर हों तो ना सिर्फ आप किसी धोखे से महफूज रह सकते हैं, बल्कि कम बजट में अपने सपनों को बेहतर ढंग से साकार भी कर सकते हैं। इसी सब को जहन में रखते हुए साधना न्यूज ने आपके लिए एक प्रॉपर्टी हेल्पलाइन की शुरुआत की है, जहां भारत के पहले रियल एस्टेट गुरु तरुण शीन आपसे सीधे मुखातिब होंगे। आप हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही मेल आईडीज पर हमें अपने सवाल भी भेज सकते हैं। तो भाई, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले डालते हैं तरुण शीन के अब तक के सफर पर एक नजर। तरुण शीन, ये नाम आज किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। भारत के पहले और एकमात्र रियल एस्टेट गुरु का खिताब इनको यूं ही नहीं दिया गया। इस खिताब को हासिल करने के लिए तरुण शीन ने अपने 21 साल के सफर में कई पड़ाव पार किए हैं और उतार चढ़ाव से गुजरते हुए कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। महज 16 साल की उम्र में कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए तरुण शीन ने अपने ख्वाबों को हकीकत का लिबास पहनाने के लिए रात दिन एक कर दिया और कामयाबी के सफर का आगाज किया। अपनी मेहनत और बिजनेस वर्ल्ड में एक बेहद अलग विजन के दम पर तरुण शीन रियल एस्टेट की दुनिया में आज एक ऐसे मुकाम को पा चुके हैं जिसे पाने का सपना हर दिल में है। तरुण शीन रियल एस्टेट गुरु और प्रीमियर ग्रुप के चेयरमैन, जिससे प्रभावित होकर कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती हो, एक शख्सियत जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। बिल्डर्स काउंसिल ऑफ इंडिया और पीएचडी चैंबर ने तरुण शीन को रियल एस्टेट गुरु के खिताब से नवाजा है। तरुण शीन, जो एसोचैम नेशनल के लग्जरी सेक्टर के को चेयरमैन के तौर पर भी अपनी खास पहचान रखते हैं, साथ ही तरुण शीन सामाजिक कार्यों के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के तौर पर भी लोगों के लिए अपना दर्द रखते हैं। तरुण शीन ने 5 साल में 3 रियल एस्टेट ब्रांड की स्थापना की। तरुण शीन, जिनको 2 दशक से ज्यादा का BFSI और रियल एस्टेट सेक्टर का अनुभव है, और उद्योगपतियों के रूप में तरुण शीन अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। रियल एस्टेट में अपनी उपलब्धियों की वजह से रियल एस्टेट गुरु के तौर पर पहचान बना चुके तरुण शीन कुछ अलग हटकर करने में खास दिलचस्पी रखते हैं। तरुण शीन प्रॉपर्टी के बारे में अपनी पकड़ की वजह से रियल एस्टेट पत्रिका, प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर, प्रॉपर्टी पोर्टल MyPropertyFacts.com और मिलेनियम पोस्ट द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। तरुण शीन की सफलता का यह सिलसिला अभी भी जारी है और आगे अभी कई और पड़ाव भी तरुण शीन को पार करने हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, साधना न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं आज का शो भारत के पहले रियल एस्टेट गुरु तरुण शीन के साथ। तरुण, साधना में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एक ख्वाब जो लोगों के अधूरे रह जाते हैं, एक ख्वाब आदमी देखता है, आपको क्या सूझी, क्या आपके मन में ख्याल आया कि इस तरह की एक हेल्पलाइन शुरू करनी चाहिए जो लोगों तक, जिससे आप पहुँच सकें और उनके अधूरे ख्वाबों को पूरा कर सकें? देखिए, आदमी की सोच है। मेरा ये मानना है ज़िंदगी के अंदर कि अगर भगवान ने आपको कुछ पावर दी है, आपको मौका दिया है, उस पावर को जनरल पब्लिक के लिए, उन लोगों के लिए यूज़ किया जाए जिनको एक्चुअली इस पावर
की ज़रूरत है आज। आज मैं जिस लेवल पे बैठा हूँ, जिस इंडस्ट्री में बैठा हूँ और जिस मुकाम पे आज हूँ, बहुत टाइम से बहुत सारे डेवलपर्स को, बिल्डर्स को, बहुत सारे ब्रोकर्स को, बड़े हों छोटे हों, उनकी हमेशा हेल्प करता चला आया हूँ, उनकी गाइडेंस करता चला आया हूँ। कहीं ना कहीं दिल में एक ख्वाब था, कहीं ना कहीं ऐसी एक सोच थी कि अगर मैं किसी भी तरीके से एक ऐसे आदमी की जिसको एक्चुअली ज़रूरत है, जो सपना देखता है अपने घर का, जो सपना देखता है अपने ऑफिस का, जो सपना देखता है अपने आगे आने वाले वक्त के अंदर बिजनेस का, अपने लिए एक दुकान का, उसकी मदद कर सकूं और ये इंश्योर कर सकूं, ये कर सकूं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कभी कोई आदमी रियल इस्टेट में अपना पैसा ना गवाए। एक दिली तमन्ना है आज भी कि अगर किसी तरीके से जो थोड़े बहुत फ्रॉड्स होते हैं, लोगों को जो परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों को किसी तरीके से रोक पाऊं। देखिए, डायरेक्ट आके किसी के अगेंस्ट बोलने का कभी पर्पस ही नहीं है, लेकिन अगर एक कॉमन मैन को जो मेहनत करके सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है, अपने फैमिली को पालता है, अपने बच्चों को बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उसके बाद इमेजिन करता है कि यार मैं जब रिटायर हूँ तो मेरे पास अपना घर हो, और जब वो रिटायर होता है तो बहुत से किस्से हमने देखे हैं जिंदगी में जिनके अंदर आदमी की वो गाड़ी कमाई जो वो बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक मेहनत करके पैसा जोड़ जोड़ के इकट्ठा करके रियल एस्टेट में लगाता है, और जब उसको ये पता लगता है कि जहाँ उसने पैसा लगाया वो डिसीजन शायद ठीक नहीं था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर भगवान के आशीर्वाद से मुझे आज एक पावर है या मेरी नॉलेज है वो किसी के काम आ सके, और हिंदुस्तान में कोई आदमी एटलीस्ट रियल एस्टेट के अंदर अपना पैसा ना गवाए, उसी पर उद्देश्य से, उसी पर्पस से मैंने कहा कि ठीक है, चलिए कोशिश करके देखते हैं कि लोगों को खुश रख पाएं, लोगों की गाड़ी कमाई को किसी तरीके से नॉलेज के थ्रू, इन्फॉर्मेशन के थ्रू बचा पाएं। एक बहुत पुरानी कहावत है, नॉलेज इज़ पावर, तो वो नॉलेज प्रदान कर पाएं ताकि हिंदुस्तान में एटलीस्ट कोई ये ना बोले कि मैंने रियल एस्टेट में पैसा लगाया और वो पैसा डूब गया। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि तरुण सिंह जी एकमात्र रियल एस्टेट गुरु हैं जिन्होंने लोगों की मदद की है आगे बढ़कर, बल्कि यही नहीं कि देश के पहले रियल एस्टेट गुरु हम तरुण सिंह जी को कहेंगे। तरुण सिंह जी, इतनी ज़्यादा आपके पास अचीवमेंट्स हैं कि अगर मैं बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि आधे घंटे तक मैं बोलता रहूँगा। जब आपने इन अचीवमेंट्स को प्राप्त किया, क्योंकि आप खुद जितना हम आपको जानते हैं कि आपने 18 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया, अपने पिता से कभी पैसा नहीं लिया, आप खुद सेल्फ डिपेंड हो गए, तो ये सफ़र थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। 16 साल की उम्र से मुझे अभी भी याद है जब 10th क्लास के बोर्ड्स दिए थे, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है लाइफ के अंदर, एक विजन होता है, कुछ करने की तमन्ना होती है। ये कोई कोर्स नहीं दे सकता, ये अगर आप कहें कि आपका कोई दोस्त आके आपको वो विजन दे जाए या कुछ करने का जज्बा दे जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये इंसान के अंदर का खुद का इनबिल्ट एक स्ट्रक्चर है जो शायद 16 साल की एज में तरुण सिंह को आया कहीं से, शायद बाबा के आशीर्वाद से। और तब मैंने डिसाइड किया था कि अब के बाद जिंदगी में अपने घर से, फैमिली से, किसी दोस्त से फाइनेंशियल हेल्प कभी नहीं लूँगा। ये हालांकि एक अलग बात है कि जब 16 साल की एज में मैंने काम करना शुरू किया तो अगर सपोजिवली 2000 रुपये की सैलरी मिलती थी तो 2000 रुपये घर वाले खुश होके गर्व से मेरे को दिया करते थे कि ये तरुण, ये तेरी मेहनत की कमाई है और जितने पैसे तूने कमाए हैं उतने ही पैसे हम तुझे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें तुझ पे गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ यू कि यस, अवर सन इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन लाइफ। एक अनुभूति हम जानना चाहेंगे, एक जो फील आता है, अक्सर ये देखा जाता है कि बेटे की पहचान जो है वो पिता से होती है। मुझे लगता है कि आप कम उम्र में ऐसा क्या कभी आपके साथ हुआ जब ये कहा गया हो कि ये तरुण सिंह जी के पिता हैं? मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जो जन्म देने वाला है वो सबसे बड़ा होता है। हमारे पुराणों के अंदर भी
बहुत क्लियरली लिखा हुआ है जो जन्म देता है, अगर आप उसकी पूजा कर लें तो भगवान की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाती है। एंड मेरी मदर ही बहुत क्लोज रही हमेशा मेरे से, शी इज़ नो मोर अनफॉर्चुनेटली, बट जो संस्कार उन लोगों ने दिए, तो मैंने कभी ऐसा मौका ही नहीं छोड़ा कि कभी मैं किसी को ये बोलने दूँ, क्योंकि एक रिस्पेक्ट है। हर एक आदमी आपके साथ जो घूम रहा है वो समझता है कि आप किन आइडियोलॉजीज के ऊपर किस विजन के साथ चल रहे हैं। तो कभी ज़िंदगी में ऐसा किसी ने बोला ही नहीं, मेरी रिस्पेक्ट करते हुए, मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए, तो ऐसा मौका जी। लेकिन एक पिता एक ख्वाब ये देखता है कि उनका जो बेटा है वो इस तरह से चीज़ें करें। लेकिन जैसे लोग अगर घर खरीदते हैं, उनको एक अदद आशियाने की तलाश होती है, वहाँ पर अगर हम जाएं तो अक्सर जब वो मार्केट में निकलते हैं अपनी गाड़ी कमाई जीवन की लगाते हैं, तो उनको जो दिखता है वो होता नहीं, वो अपना पूरा पैसा लगा देते हैं, बाद में उन्हें पता लगता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। कैसे बचें लोग इनसे? देखिए, इसके लिए लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आई कम टू दैट लेटर। आप अगर किसी डेवलपर के साथ पैसा लगा रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना समझना ज़रूरी है कि क्या उस डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है, इंटेंशन क्या है, विजन क्या है, गोल क्या है लाइफ में। क्या ऐसा तो नहीं कि कोई आदमी बिना किसी एक्सपीरियंस के, अब बड़ा मायने रखता है लाइफ के अंदर कि आपके संस्कार फैमिली से क्या है, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, बहुत मायने रखती हैं ये चीज़ें, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे पावर देती हैं लोगों के सपनों को साथ लेके चलने की। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों के साथ आप पैसा लगाने वाले हैं या जो डेवलपर है उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है ज़िंदगी में। अपार्ट फ्रॉम दैट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है रियल इस्टेट के अंदर, क्या उस डेवलपर के पास एक्चुअली लैंड है भी कि नहीं है? क्योंकि आपका घर बनेगा तो ज़मीन पर ही ना, ज़मीन के अलावा तो कहीं बना नहीं सकते आप हवा के अंदर या बादलों पे जाके। तो वो ज़मीन है कि नहीं है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अभी पीछे 6 महीने साल से बहुत सारे किस्से सुनाई दिए कि एक डेवलपर आए, उन्होंने क्या किया, पहले प्लॉट नंबर 1 बेचा जी, फिर एक और प्लॉट पे लॉन्चिंग कर दी, 3 महीने के बाद कहा जी अब हम प्लॉट नंबर 2 बेचेंगे, फिर 2 महीने बाद पता लगा जी अब तो प्लॉट नंबर 2 गया, अब 3 की बारी है, फिर पता लगा, ऐसे करते करते आज प्लॉट नंबर 9 या 10 बेच रहे हैं मेरे ख्याल से। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर फुल्ली पेल्ड अप प्लॉट ना हो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एग्रीमेंट्स हों, वो इंश्योर कर रहे हों कि आपका इंटरेस्ट सेफ है। दूसरी चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि एक्चुअली आप जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं वो लेजिटिमेट लीगल ज़मीन है कि नहीं है, उसका लैंड यूज़ क्या है। आज आपने फार्म लैंड के ऊपर जाके पैसा लगा दिया जिसका शायद CLU नहीं हो रखा, तो वो गलत है। यू हैव टू बी वेरी सेफ श्योर विद योर मनी, आपको अपने पैसे का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है लाइफ के अंदर, ये आपकी मेहनत की कमाई है। कुछ मेल भी हमारे पास तरुण जाए हुए हैं जिसके जरिए लोगों ने ये पूछा है, अक्सर लोगों के साथ धोखा हो जाता है कि एक ही लोकेलिटी में ज़मीन मौजूद है लेकिन सरकारी एजेंसी है उस ज़मीन को ज़्यादा दामों पर दे रही है, लेकिन जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो उसको कम दामों पर दे रही है, क्या इसको खतरे की घंटी माना जाए? इसको 101% खतरे की घंटी मानिए। ये समझिए कि एक डेवलपर अगर आपको ब्राउशर दिखाता है, लेआउट प्लान दिखाता है और कहता है कि हम फैसिलिटीज़ देने वाले हैं, हम आपको प्रॉपर लैंडस्केप बना के देंगे, फुआरा लगा के देंगे, रोड्स बना के देंगे, 3-tier सिक्योरिटी देंगे, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस अटैच टू इट। अगर आप एक कॉलोनी को देखते हैं पेपर के ऊपर कि वो सिंगापुर बनने वाली है, उसकी कॉस्ट है ना, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से लैंड अलॉट किया, सपोजिवली मैं कहता हूँ 100 गज के प्लॉट्स निकाले, अगर उस 100 गज का प्राइस 20,000 या 21,000 रुपये है और उसी के सामने कोई डेवलपर अच्छा ब्राउशर दिखा के आपको कहता है जी पावर बैकअप भी है, 3-tier सिक्योरिटी भी है, यहाँ पर बहुत बड़ा फुआरा चलेगा जिसको म्यूजिकल फाउंटेन कहेंगे आप कल को, 80 लाख रुपये का मिनिमम लगता है जो गवर्नमेंट के अलॉटेड में नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, सोच होती है कि जो जनता है
उसको रहने की एक लेजिटिमेट प्रॉपर जगह दी जाए जहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ आके कल को एंजॉय कर सके, रह सके, छत ले सके अपने सर के ऊपर। और जो हम लोग प्राइवेट डेवलपर्स करते हैं, हम करते हैं कि एक अच्छी कॉलोनी विच इज़ वर्ल्ड क्लास विथ ऑल दी एमिनिटीज का, हर एक एमिनिटी का एक अलग प्राइस है। गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट दी आपको 21,000 रुपये पे, और उसी के सामने सिंगापुर वाली अलॉटमेंट मिलती है 10,000 रुपये में। तो लॉजिक लगाएं, कॉमन सेंस की बात है कि इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ कोई भी आधे दाम पे या 30 गुना कम पे कैसे दे सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर तो किसी भी रियल एस्टेट गुरु को या तरुण चीन को खड़े होके करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। दिस इज कॉमन सेंस। पहले से ही खतरे घंटी बजानी, ये घंटी तो पता नहीं, मुझे अलार्म्स बजने होने चाहिए आपके आसपास। एक सवाल और है, लोग जाते हैं उनको पता नहीं होता कि क्या क्या धोखे, किस तरह से उनको चीट किया जा सकता है, किस तरह के धोखे उन्हें मिल सकते हैं प्रॉपर्टी में। आखिर हम ये चाहेंगे कि आप दर्शकों को थोड़ा ये बताएं कि किस तरह के धोखे प्रॉपर्टी में किए जाते हैं जिसका शिकार अक्सर उपभोक्ता हो जाते हैं। लैंड यूज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले देखें कि क्या डेवलपर के पास लैंड अपने नाम पे है कि नहीं है, सबसे पहली चीज़ है। लाइफ उस लैंड का, अगर आप सपोजिवली अपने लिए आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं या दुकान खरीदने जा रहे हैं या ऑफिस खरीदने जा रहे हैं, वो लैंड के ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से सेक्शन प्रॉपर लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, उस लैंड यूज डॉक्यूमेंट के अंदर क्लियरली दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है आपने। पहली चीज, क्या वो लैंड डेवलपर का है या नहीं। दूसरी चीज कि उसका लैंड यूज है क्या। अगर सपोजिवली खादर की जमीन है, एक एग्जांपल कह रहा हूं मैं आपसे, खादर कहते हैं फ्लड एरिया, तो वहां पे क्या अलाउड है? क्या वहां पे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर सकते हैं? या किसी फार्मर की जमीन है तो क्या आप लीगली वहां पर अपना आशियाना बसा सकते हैं कि नहीं बसा सकते? बिल्कुल, इस बात को हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर है। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो सवाल और जवाब का ये सिलसिला चलता रहेगा। कुछ और सवाल जो काफ़ी गंभीर हैं उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। भारत के पहले रियल एस्टेट गुरु तरुण सिंह जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक, प्रॉपर्टी हेल्पलाइन जारी रहेगा। के लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसको जब पोजीशन मिलता है तो सारी चीजें लगभग तैयार होती हैं। अगर एक साल के अंदर उसका कोई ड्यूरेशन होता है, कैसे पता करेगा एक उपभोक्ता कि किस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है, जो क्वालिटी उसको बताई गई है वही क्वालिटी मिली, कैसे पता कर सकता है? सर आज देखिए दो चीजें इसमें समझने वाली हैं। आज जो डेवलपर एक्चुअली मार्केट के अंदर बैठ के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, जेन्युइन सोच के साथ चल रहे हैं, तो वहाँ तो ऑल दी डेवलपर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड। सब बहुत डिफरेंट विजन के साथ, आज बहुत डिफरेंट मार्केट है हमारी। इस मार्केट के अंदर जो लोग खड़े हैं मजबूती के साथ, जहाँ आपको कंस्ट्रक्शन दिखती है, तो वो डेवलपर की इंटेंशन 99.9% सबकी ठीक है। जिसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है उसने इसी इंटेंशन से करी है कि वो डेवलपर डेवलप करके कंज्यूमर को खुश रख सके। सो ये है डेवलपर का एंगल जो समझना बहुत जरूरी है। दूसरा एंगल ये है कि आज मैंने ऐसा कोई कस्टमर नहीं देखा पिछले इतने सालों में जिसने बुकिंग कराई हो किसी प्रोजेक्ट में, 99.9% लोग खुद चल के साइट पे जाते हैं क्योंकि मेहनत की कमाई लगी। बिल्कुल, 2 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने के अंदर एक बारी चक्कर जरूर मार के आते हैं कि मैंने जहां पैसा लगाया, जहां पे मेरा आशियाना बनेगा या जहां मेरी दुकान बनेगी या जहां मेरा ऑफिस बनेगा, उसमें क्या डेवलपमेंट हो क्या रही है, कंस्ट्रक्शन किस स्टेज पे पहुंची है, क्या मटेरियल यूज हो रहा है। ये सब बड़ी लॉजिक वाली चीजें हैं। कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी समझने के लिए आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। पिलर की स्ट्रेंथ समझने के लिए आपको किसी स्पेशलाइज कोर्स की जरूरत नहीं है। जब आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचते हैं, वहां पहुंच के
सिर्फ पिलर देख के समझ में आ जाता है कि एक्चुअली डेवलपर लगा क्या रहा है, वो पिलर कितनी स्ट्रेंथ ले पाएगा। जो आदमी पैसा कमाना जानता है उस आदमी को इतनी समझ होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। सो हमेशा अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से देखें और परखें। अक्सर बिल्डर पेमेंट शेड्यूल की बात करते हैं, क्योंकि मेल में भी हमसे कई लोगों ने इस तरह की बात पूछी। पेमेंट शेड्यूल बिल्डर देता है, उसकी आड़ में कभी कभी धोखा हो जाता है। एक उपभोक्ता को तब पता लगता है जब तक वो लुट चुका होता है, उसका पैसा बर्बाद हो जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आज मार्केट ना बहुत सोफिस्टिकेटेड लेवल के ऊपर है। जो सर्विस लेवल, सर्विस एक्सेलेंसी एक वर्ड है जिसको आज हर एक डेवलपर समझता है। एंड ऑफ द डे तेल तो तिलों में से ही निकलना है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो शायद कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान या पेमेंट प्लान के ऊपर धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई आदमी बाय चांस थोड़ी सी पेमेंट ज़्यादा ले रहा है टाइम से पहले, तो ये तो जब आपने एग्रीमेंट किया था या बुकिंग फॉर्म भरा था तो उस समय आपको पता ही था कि स्टेज वाइज कंस्ट्रक्शन चलेगी, एक्सकवेशन होगी तो इतना पैसा देना है, पहले फ्लोर की फाउंडेशन रखी जाएगी तो उस पर क्या देना है, जब दूसरा फ्लोर बन चुका होगा स्ट्रक्चरली तो उस पर क्या देना है। तो कस्टमर इज वेल इन्फॉर्म्ड टुडे। अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है और आप पेमेंट एज पर प्लान दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि डेवलपर की कोई गलती है। देखिए, मेरा मानना यह है कि हम जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, ना ही सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, एनी इंडस्ट्री दैट यू लुक एट, इवन फाइनेंशियल सेक्टर, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है मुझे, मैंने 9-10 साल वहाँ भी लगाए हैं अपने ज़िंदगी के एट प्रोफेशनल लेवल्स। अगर कोई आदमी आज मार्केट के अंदर आपका पैसे का कस्टोडियन बन के बैठा है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर आप प्रीमियम देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन चलती है, आपके पैसे के ऊपर आपको रिटर्न दी जाती है, बैंकिंग में आप पैसा जमा करते हैं अपने अकाउंट के अंदर, फ्लोट मेंटेन होता है, फ्लोट मेंटेन होने की वजह से बैंक उसको फर्दर लोन देता है और उस पर इंटरेस्ट कमाता है और आपको भी इंटरेस्ट देता है। वैसे ही रियल एस्टेट के अंदर डेवलपर अपने पैसे लगाता है, लैंड लेता है, आप उसके पास बुकिंग कराते हैं, सो ही इज अ कस्टोडियन एंड ही कंस्ट्रक्ट्स। वो आप कुछ आप सहयोग करते हैं, कुछ सहयोग वो खुद करता है और बिल्डिंग बनती चली जाती है। बिल्कुल, पेमेंट शेड्यूल को लेकर चूंकि हम लोग बात भी कर रहे थे, उसमें कभी कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर ने जो पेमेंट शेड्यूल दिया है वो उपभोक्ता की समझ से बाहर हो जाता है। उसमें क्या टेक्निकली चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको, एक यूज़र को समझना चाहिए, जो इन्वेस्टर्स है उसको समझना चाहिए? सर, बड़ा सिंपल है। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को लेने की का डिसीजन लेते हैं, जैसे सपोजिवली आपके पास एक चैनल पार्टनर आए, या आपने इंटरनेट पे देखा या आपने अखबार में पढ़ा कि एक फलाना फलाना एक्स वाई जी प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर या एक्सप्रेस वे के ऊपर या नोएडा के या गुड़गांव के या भोपाल के किसी सेक्टर में लॉन्च हुआ है या चल रहा है या बन रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप कंपनी को कॉन्टैक्ट करते हैं या तो डायरेक्टली या अपने ब्रोकर के थ्रू। तो आपका ब्रोकर आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाता है, वो भरवाने से पहले आपको बताता है कि ये इस तरीके से इस टाइम पे इस स्टेज के ऊपर आपको इतना परसेंट पेमेंट या इतना अमाउंट डेवलपर के पास जमा कराना है। सो जब आपने बुकिंग कराई थी तो वो पेमेंट प्लान आपके पास ऑलरेडी था। अगर तो डेवलपर आपसे अनड्यू डिमांड करता है, फॉर एग्जांपल आपको 70% पेमेंट 9वें फ्लोर के बनने तक देनी थी, अगर कोई डेवलपर आपसे कहता है कि नहीं अब तो मेरी 4 मंजिल बनी है और आप वो अमाउंट पे करिए, तो आपका अपना राइट है, वी हैव कोर्ट्स। वैसे तो कोर्ट्स भी जाने की जरूरत है, आप डेवलपर को सीधे मना कर सकते हैं कि जी आपने पेमेंट प्लान मुझे ये दिया था, इसके अंदर लिखा था कि 8वें फ्लोर पे मुझे 70% पैसा देना है और 4थे फ्लोर पे सिर्फ 40% देना है, तो जब आपका 8वां फ्लोर बना ही नहीं अभी तक, तो आप पैसे किस बात के मांग रहे हैं? और लीगली आपको कोई भी टच नहीं कर सकता, डेवलपर आपसे जोर जबरदस्ती से पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि आपके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट प्लान ऑलरेडी पहले से पड़ा है।
सो किसी का धोखाधड़ी करने का सवाल ही नहीं उठता। आप खुद अपनी आवाज उठाएं और डेवलपर से, क्योंकि वो रिलेशनशिप है आपका और डेवलपर, उससे आराम से बैठ के बात करें और एक्सप्लेनेशन मांगे उल्टा कि भाई साहब अभी तो चार फ्लोर बने हैं, आठवां बना ही नहीं, तो आप आठवें फ्लोर का पैसा क्यों मांग रहे हो मेरे से? वो आपका खुद का हक है। कभी कभी इस तरह की भी गुजारिश कर देता है कहीं ना कहीं बिल्डर की, भाई इतना अगर आप दे सकते हैं तो हम आपको इतने परसेंट की छूट देंगे, या इस तरह का अगर कोई प्रलोभन देता है तब क्या करना चाहिए? सर, डेवलपर और कस्टमर का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत बहुत गहरा रिश्ता है। ये कोई बिजनेस डील नहीं है सर। ये आपने अपने सपनों का किसी को कस्टोडियन बनाया है। बिल्कुल। और एक डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके उस सपने को, आपके उस घर को या ऑफिस को या दुकान को या आपके जीवन पूरा करके आपके सपोर्ट कर दें। बिल्कुल। तो ये रिलेशन सिर्फ सपोर्ट करने तक ही नहीं रहता, डेवलपर को बनाना है, बनाने के बाद 10, 12, 15 साल वो रिलेशन मेंटेन भी करना है, क्योंकि आज हमारी मार्केट बहुत सोफिस्टिकेटेड है। अगर आप सर्विस देंगे तभी आपके साथ आगे कोई और आके जुड़ेगा। अगर आप सर्विस देने के अलावा एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन फैमिली वाला मेंटेन करेंगे तभी डेवलपर के पास दोबारा कोई कस्टमर या क्लाइंट जाके उसके किसी और प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग कराएगा। वेरी सिंपल, इट इज अ डिफरेंट रिलेशन। बिल्कुल। तो अगर डेवलपर आपसे डिमांड करता है और रिक्वेस्ट करता है डिमांड की जगह कि आप मुझे 20%, 30%, 40% वक्त आने से पहले दे दीजिए और मैं आपको ये बेनिफिट देता हूं, तो वो तो गुजारिश है। अगर आपको गुजारिश समझ में आए और आपको लगे जो वो ऑप्शन दे रहा है वो ऑप्शन ठीक है और आप उसको करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो करें, वरना प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि भारत के पहले और एकमात्र रियल एस्टेट गुरु हैं तरुण शीन जी, जो इस वक्त आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपकी जो मेल समय मिलती हैं, जो आपका भरोसा हम पे जाग रहा है, निश्चित तौर पर हम उसकी तस्दीक करते हैं और आपका स्वागत करते हैं कि आगे भी आपके इसी तरह से हमें मेल्स मिलते रहेंगे और हम आपकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। और हम ये भी दावा करते हैं कि अपने आप में पहली प्रॉपर्टी हेल्पलाइन है जो आपकी मदद करेगी, आपके हर सवाल का जवाब आपको ऑन स्क्रीन मिलेगा। ये सबसे खास बात है। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे, तरुण चिन जी पहले और एकमात्र भारत के रियल एस्टेट गुरु हैं। तरुण जी, इतने सारे सवालों का, इतने सारे मेल्स का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ ऑनर फॉर मी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं हमेशा जिंदगी भर कोशिश करूँगा कि आज जिन जिन इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे कदम हैं जी, उन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करते हुए आगे लेके चलें सबको। उम्मीद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका ये प्यार हमें मिलता रहेगा और साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और ये तो अभी आगाज है, अभी तो आपको भी हमें अंजाम तक पहुँचाना है कि आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल सके, आप सही नियमों की जानकारी रख सकें। ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है और यही तरुण सिंह जी का भी मकसद है। मेल के जरिए जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मेल फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमें अपनी मेल भेज सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।